हेलो एवरीवन, ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद में वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मैंने जुटाया है। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि 16 ऑफ मार्च को मेरा जो पिताजी है उनका जन्मदिन था, और 18 ऑफ मार्च को उनका देहांत हो चुका है। वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो इतना ऑल ऑफ सडन हुआ ना कि मैं बता भी नहीं पाऊँगी अच्छी तरीके से। एंड मैं अपने पिताजी से कितना क्लोज थी और क्या किस तरीके का रिलेशन था वो मैं मतलब वर्ड्स ही नहीं है। एंड इतना ऑल ऑफ सडन हुआ है कि प्रिपेयर भी नहीं थे हम, मैं, हमारा जो फैमिली मेम्बर्स है सभी, कोई भी प्रिपेयर नहीं था। 18 ऑफ मार्च को सवेरे मैंने ऑफ लिया था उस दिन को, और 19 को मेरा टूर शुरू होने वाला था। तो 18 को अराउंड 10 to 10:30 के बीच में मेरा जो यंगेस्ट बहन है उनका कॉल आया। उसके बाद मैं उन्होंने थोड़ा बहुत बताया तो मैंने सोचा था कि बस हल्का सा गिरा होगा, लेकिन फिर भी आई वॉज यू नो कंटिन्यूसली इन टच विद मेरा फैमिली मेम्बर। उन्हें मैंने बोला कि बताते रहो, अपडेट देते रहो, हॉस्पिटल ले जा रहे। तो जब बोमदिला का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तो प्रॉपरली मतलब इक्विपमेंट ही नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो बस बीपी हाई, प्रेशर हाई है ऐसे बताया। उसके बाद वहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, जो तेजपुर का जो टाइम्स हॉस्पिटल है वहाँ ले जाने के लिए बोला। तो फिर उसके बाद जो मेरा एल्डेस्ट सिस्टर है दीदी उनका हस्बैंड, उसके बाद मैं बहन, सबसे छोटा बहन का हस्बैंड, बहन एंड मम्मी लोग तुरंत वहाँ से निकले तेजपुर के लिए, और मैं यहाँ से निकली, जैक और मैं निकली तेजपुर के लिए। फिर कंटिन्यूसली सर्च में थे। फिर जब तेजपुर का टाइम्स में पहुँचा तो वहाँ पे सिटी स्कैन किया तो तब पता चला कि पापा का ब्रेन में पूरा ब्लड फैल रहा था, मतलब इस तरीके का हो रहा था। उसके बाद मैं वहाँ पे भी नहीं सकेगा इस तरह का कुछ बोला। उसके बाद मैं फिर मम्मी का कॉल आया कि नहीं डॉक्टर आके देखेंगे ऐसा के कहना था। फिर मैंने पूछा कि कब तक आएगा, तो उनका कहना था कि शाम तक। तो शाम तक क्यों रुकना है? तो मम्मी को मैंने बोला कि आप गुवाहाटी ले जाने के लिए, गुवाहाटी का JNRC जो 6 माइल में है वहाँ ले जाने के लिए। फिर हम भी ऑलमोस्ट तेजपुर पहुँच ही चुके थे जब ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि आप लोग निकलते रहो, मैं पीछे पीछे आ रही। तो ऐसे करके जब JNRC गुवाहाटी पहुंचा तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी, मतलब इतना हड़बड़ी में हुआ ना, तो एक टाइम वाइम मतलब पता ही नहीं है। तो वहाँ पे जब पहुंचा तो पापा को ऑलरेडी सिटी स्कैन कराने के लिए अंदर ले जा चुका था वो रूम में। और जब मैं पहुंची थोड़ी देर के बाद में पापा को सिटी स्कैन कराकर वहाँ का जो वार्ड बॉयज लोग हैं उन लोग निकाल रहे थे, मतलब छोटा से अभी तक मतलब टिल हिज डेथ वो कभी मेडिकल गए ही नहीं, मतलब छोटा मोटा बीमार के लिए तो गए हैं, लेकिन जब सीटी स्कैन करके जब निकल रहा था ना उनका जो कंडीशन था बहुत अलग वे में था, मतलब मैंने देखा भी नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ देखने के लिए, क्योंकि पापा को कभी वैसे देखा ही नहीं। क्योंकि मैं बीमार हुई बहुत बहुत बुरी तरीके से मैं बीमार हुई तब भी पापा ने देखा। और मेरा से जस्ट इमीडिएट दीदी वो तो गुजर गई 2010 को, वो भी बहुत ख़राब से बीमार हुआ, और बाकी पूरा फैमिली मेम्बर्स बीमार हुए, ये सब होते ही रहे, लेकिन पापा कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हिम्मत ही नहीं हुआ देखने की। उसके बाद में वहाँ से फिर वार्ड बॉयज़ ने ICU में शिफ्ट किया। तो ICU में हम लोग, मम्मी, हम, मेरा जो छोटा बहन है वो, उसके बाद बड़ा जीजा जी, फिर छोटा बहन का जो हस्बैंड है वो, फिर जे हम लोग बाहर में बैठे थे। फिर मम्मी, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे दिल में कि कुछ मेरेकल हो जाए और ठीक हो जाए। तो फिर ऐसे होने के हम लोग रुक रहे थे बाहर में, और उस बीच में क्योंकि सब थक गए थे मतलब ऐसे करके, तो हम लोग, मेरा ये होप था कि पापा ठीक हो जाएगा। तो उस बीच में हमने सोचा कि रहने के लिए तो 6 लोग
सब 7 लोग तो हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, तो आसपास में अगर कुछ क्या कहते हैं ये रहने के लिए बंदोबस्त कर दे। तो फिर मैं और जैक निकली, निकल के हम लोग ने आसपास में देखा कहीं में बैठने के लिए, तो जस्ट हम लोग को बैठने के लिए मिल ही गया था होटल, हम लोग बात कर ही रहे थे, तो बहन का कॉल आया कि पापा का जो सास है वो रुक रहा है, तो मम्मी ने आ जाने के लिए बोला है। तो फिर वो सब छोड़ छाड़ के फिर हॉस्पिटल फटाफट गई वापस। उसके बाद में वहाँ पे पता चला तो मतलब बड़ा जीजा जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल 53-52 ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत कम है। तो डॉक्टर का तो ये कहना है कि अभी तो जैसे तैसे मतलब पम्प करके वो हो चुका है, और एक बार अगर ऐसे सांस रुकता है या फिर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करके बैठे, मतलब दिन दिन में प्रार्थना कर रहे थे। मम्मी रो रही थी, एक था मैं मेडिकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए वो सोच रहे थे, लेकिन अराउंड 10:30 या 10 टाइम याद नहीं है मुझे अच्छा एग्जैक्टली। जीजू ने सबसे पहले आके मुझे बताया कि पापा का डेथ हो गया है, तो अभी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करना है, मम्मी को थोड़ा बताओ। तो हिम्मत ही नहीं हुआ था मेरा, लेकिन मम्मी को ऑलमोस्ट हिंट मिल गया था। ऐसे होके उसी रात को जीजू ने पूरा कॉफिन वगैरह जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ये सब का उन्होंने फॉर्मेलिटीज किया। उसके बाद फिर हम गुवाहाटी से निकले, पापा को भी एम्बुलेंस में रखा, ऐसे करके आए, मोमदिला लेके आए। उसके बाद क्या क्या रिचुअल मतलब रिचुअल्स वगैरह हुआ, उनका जो जब जिंदा भी थे उनका जो विश था वो सबको भी हमने पूरा करने का कोशिश किया। ऐसे अपना वो भी नहीं लगता है कि वो छोड़ के गए थे। दो मैं ईटानगर मतलब उनका जब से यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, वो बोमडिला में, तवांग में, भालपुर में रहे, वो फिजिकली हम लोग दूर थे लेकिन दिल से कनेक्टेड थे। और पापा हम दोनों बहुत क्लोज थे, पापा बहुत चीज़ शेयर करता था मेरे साथ, बहुत चीज़ें बातें होती थी। तो मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो छोड़ के गए। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि क्या क्या तो या इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई पापा का डेथ की वजह से। अभी भी स्टेबल नहीं हूँ इतना, लेकिन पापा कहते थे कि रोना नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन होगा, रोना नहीं है, स्ट्रॉन्गली प्रॉब्लम को फेस करना है, खुश रहना है जब तक है इस दुनिया में, उनका ही कहना था। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरा लाइफ में कोई इतना क्लोज नहीं है जितना मैं अपने पिताजी से हूँ। आई मीन थी दो वो अभी फिजिकली नहीं, आई नो कि उनका ब्लेसिंग्स है, उनका गुड विशेस हमारे साथ है, वो भी कुछ दिन देखना चाहते हैं हमें, इसलिए अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ। और पापा चाहते थे कि मैं फैमिली को संभालूँ, जब वो जिंदा थे तब भी कहते थे कि मैं अपने रहने से भी तुम संभाल पाएगा इस तरीके का। और 1-2 साल से तो हर चीज़ पापा बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, आई मीन मे बी ऐसा कुछ होना था होगा। और ये वीडियो वगैरह बना के आई मीन ये वीडियो बना के मैं किसी से सिंपैथी या सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबको भी मैंने अपना फैमिली ही बोला है। तो
फैमिली को जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद में जो आप सब देखोगे, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा था, किसी किसी ने सोशल मीडिया में शेयर किया था, या फिर गांव वालों ने लिया था, उसको मैं अभी आपको सिस्टमेटिक वे से डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। एंड मेरे पापा का आत्मा के लिए, सोल के लिए आप सब प्रार्थना करिएगा कि वो जहाँ भी है खुश हैं, खुश रहिए, खुश रहें। और या वही कह सकती हूँ मैं, या तो देखिए। Thank you.